नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बीमारी के बारे में और एक पेशेंट के बारे में जो मेरे पास में आए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, इसको बोलते हैं डेल्यूजनल पैरासाइटोसिस। ये 75 साल के व्यक्ति हैं और इनका बाकी सब अच्छा है, खाना पीना सोना सब अच्छा है, मगर दिन भर इनके हाथ में एक मच्छर मारने की बैट रहती है दिन भर, और वो अपने पूरे बॉडी के ऊपर घुमाते हैं। अब जैसा वो लगाते हैं तो वहाँ से स्पार्क निकलता है, उनको लगता है कि मच्छर मर गया और इसलिए वो घुमाते रहते हैं पूरे बॉडी के ऊपर और मच्छर मारते रहते हैं। उनको ऐसा फीलिंग होता है कि बॉडी के ऊपर मच्छर बैठे हैं और वो मार दिन भर वही करेंगे, रात को भी जब उठेंगे तब ये करेंगे, वो आँखों के ऊपर भी मार लेंगे ऐसे। और ऐसा किसने कुछ डिस्टर्ब कर दिया उनको, कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उनके अगेंस्ट में कुछ बोला तो फिर वो बहुत गुस्सा हो जाते, बोले मेरे को दिख रहा है ना, आप नहीं कैसा बोलते। और फिर पूरे बॉडी में जो बैट जो है मच्छर मारने की वो घिसते भी है तो स्किन को भी थोड़ी सी ऐसी मतलब खरोच आती और स्किन को भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये डेल्यूजनल डिसऑर्डर है जिसमें उनको ऐसा लगता है कि भाई अपने इसमें एक तो चमड़ी के नीचे कीड़े है या कोई मच्छर है या चमड़ी के ऊपर है, फिर वो खुजाते भी है, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ है तो फिर वो खुजाना पड़ता है और खुजाने से उनको लगता है कि वो मर गया या अच्छा अभी लग रहा है करके। ये एक्चुअली टैक्टाइल हेलुसिनेशन है, इसको फॉर्मिकेशन भी बोलते हैं, फॉर्मिकेशन मॉर्जिलॉन्स भी इसको बोलते हैं, अलग अलग नाम इसको दिए हुए मॉर्जिलॉन्स, और मॉर्जिलॉन्स एक सब टाइप है। तो मॉर्जिलॉन्स में क्या होता है कि मॉर्जिलॉन्स में स्किन में मतलब चमड़ी को एक ऐसा अल्सर टाइप दिखता है, जख्म जैसी दिखती है और उसमें उनको लगता है कि कीड़े हुए हैं। अब इसका एवरेज एज जो है तो ये पाया गया है 57-58 साल की उम्र में लोगों का एवरेज एज पाया गया है। इसको एगबॉम्स सिंड्रोम करके भी कहते हैं, एगबॉम्स सिंड्रोम, डेल्यूजनल पैरासाइटोसिस, टैक्टाइल हेलुसिनोसिस, फॉर्मिकेशन, मॉर्जिलॉन्स, ऐसे अलग 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 नाम है। इसका एग्जैक्ट कारण मालूम नहीं है, एक्सेसिव डोपामिन ब्रेन में होता है इसलिए ये बीमारी होती है ऐसा माना जाता है। तो इसका इलाज क्या है, तो एक ये साइकोसिस का एक प्रकार ही है, ये डेल्यूजन है, उनको पक्की खातरी है कि भाई वो तो है ही वहाँ, उनको कुछ भी बोला तो उनको गुस्सा आता है कि तुम खिलाफ बोल रहे हो, मेरे को दिख रहा है। वो कभी कभी पकड़ भी लेते हैं ऐसे, देखो देखो देखो, और हाथ में नहीं आया बोलते, पता नहीं कहाँ चले गए। इसमें दवाइयाँ जो है वो बहुत ही कारगर होती है, कुछ कुछ दवाइयाँ जैसी अर्काजाइड करके है, ये टैबलेट है और ये बहुत काम की है, इसमें 2 मिलीग्राम डोज यदि 2 बार देते हैं तो इसमें बहुत फ़ायदा हो जाता है। एंटी डिप्रेशंस भी देते हो, एंटी डिप्रेशन का भी फ़ायदा इसमें दिखाई देता है। तो और बाकी उनको काउंसलिंग करो, बातचीत करो, उनको समझ लो, नींद नहीं आती होंगी तो नींद के लिए थोड़ी दवाई देनी पड़ती है, मगर ये बीमारी अच्छी होती है। और अभी तक के मेरे 41 साल की उम्र में जितने भी पेशेंट मेरे पास में 100% ठीक हो गए, 100% एकदम ठीक हो जाते हो, 1 महीने के अंदर ठीक हो जाते हैं। तो ये जरूर लोगों को शेयर करो, वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बहुत लोगों को बीमारी अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।